नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। बड़वानी अंडर 14 शूटिंग वॉलीबॉल में आदिवासी बहुल क्षेत्र के टीमा छात्र छात्राओं का हुआ चयन। काशिफ शेख पिता सफीक शेख बुद्ध गया बिहार में अपनी प्रतिभा का दिखाने का मिला अवसर। जिला मुख्यालय बड़वानी पर खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, चाहे वे कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस के साथ शूटिंग वॉलीबॉल का क्षेत्र हो। इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को उनकी प्रतिभा को आसपास की आम जनता के साथ ही परिवार और समाजजन के लोग समय रहते हो यदि पहचान जाए और आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो उन्हें खेल प्रतियोगिता में निखार आता है। उत्साह उमंग, इससे उनमें अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है तो वे अपने देश का नाम रोशन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा ही हमारे बड़वानी जिला मुख्यालय पर अंडर 14 में माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 बड़वानी में अध्ययनरत काशिफ शेख पिता शफीक शेख का चयन बोधगया बिहार में किया गया, जहां पर उनकी टीम दिनांक 2-3-4 सितंबर को प्रतियोगिता आयोजित सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। यदि वहां सफल होते हैं तो उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा, देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, जिससे वह अपना देश और समाज का नाम रोशन करेगा। टीम सूची इस प्रकार है। अपर्ण शर्मा कप्तान, रोशन मेहता वाइस कप्तान, शाहनवाज शेख, रोनित सिंह, काशिफ शेख, तिलक राज, रौनक साहू, शाहनवाज शेख, अभिराज शर्मा, एस एम अर्शन, संगम राजपूत, उज्ज्वल विश्नोई। बड़वानी के न्यू स्पोर्ट शूटिंग बॉल क्लब के प्लेयर काशिफ के चयन होने पर क्लब के अध्यक्ष नवाज प्रिंस, उपाध्यक्ष दिलीप पाटीदार, सचिव राम विश्वास विश्वकर्मा, कोच सईद पठान, डॉक्टर सैयद बाबद अली, सादिक चंदेरी, इमरान बाबा और क्लब के सभी सदस्यों द्वारा बधाई दी गई। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। आपका नाम? काशिफ शेख। क्रमांक 2 हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आपको किसके लिए जो है कहाँ जाना है? आपको नेशनल लेवल पे अंडर 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार में, शूटिंग वॉलीबॉल बिहार में। अच्छा, आपसे कब से प्रशिक्षण लिया आपने? 8 साल। 8 साल से प्रशिक्षण। आपका चयन हुआ मतलब? जी। और आगे और बढ़ना चाहते हो? हाँ। तो कौन से लेवल तक जाना चाहते हो? इंडिया टीम का नेतृत्व करना चाहते हो? देश का नाम रोशन और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो?